हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है आपकी डेस्टिनी में आगे क्या लिखा है। आगे यानी कि नेक्स्ट 10 to 15 डेज में आपकी डेस्टिनी में क्या एक्सपेक्टेड है, आपका फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। ये रीडिंग पिका कार्ड रीडिंग है जो आपके नाम के अनुसार मैं बनाने जा रही हूँ। और यस, पिका कार्ड में आपके नाम, आपका नाम का जो पहला अक्षर है, जिस नाम से आप सबसे ज़्यादा बुलाए जा रहे हो, भले हो सकता है कि कुंडली का नाम आपका अलग हो लेकिन आपको बुलाए जाने वाला नाम अलग हो, तो आप अपने उस नाम के अनुसार जो है चूज़ करें जिससे आप बुलाए जाते हो। सबसे ज़्यादा उसकी एनर्जीज आपके ऊपर जो है वैलिड होती है। रीडिंग जनरल होगी, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। और साथ ही साथ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थी या था बोलूँ तो समझ जाना एनर्जीज है। आपको आइडिया है कि आपके बारे में आप थी हो या था हो, आपको अपना नॉलेज है। ओके, सो ये रीडिंग का टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट अपनी पाइल की तरफ जा सकते हैं। पाइल नंबर 1 में है ABCDEFGHIJKLMN, पाइल नंबर 2 में है OPQRST UVWXYZ। ठीक है, पाइल नंबर 1 के साथ मैं शुरू करने जा रही हूँ। यूनिवर्स गाइड करें पाइल नंबर 1 वालों के लिए, उनकी डेस्टिनी में आगे क्या लिखा है। ABCDEFGHIJKLMN, बताएं इनकी लाइफ में, इनकी डेस्टिनी में आगे क्या लिखा है। The Emperor, Wheel of Fortune, Lovers, Five of Cups, Ace of Pentacles, Bottom of the deck Four of Cups with Three of Pentacles। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लाइफ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस होने वाले हो या ऑलरेडी हो चुके हो, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है रीसेंट पास में आपने कुछ डिसीजन और फैसले लिए हैं, कुछ बहुत बड़े फैसले जो आपकी लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स हो सकते हैं। एनर्जीज में सबसे पहले राशि बता देती हूँ, आपकी राशि हो सकती है एरीस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कुछ लोगों के लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन के बेसिस पे हो सकता है, कैसे भी देख सकते हैं। आपके इवन नंबर्स में भी मुझे 6 दिखाई दे रहा है, नंबर्स में 6, 10 या 4 एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये बर्थ नंबर्स में हो सकता है शामिल है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में रिसेंट में ही आपने कुछ बहुत स्ट्रांग डिसीजंस ले लिए हैं और आप उस पर काम करने वाले हैं। अब ये किसी तरीके की स्ट्रैटेजी भी दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है कि मुझे अब ये काम करना है और इस काम से ना मैं हटूंगा नहीं या हटूंगी नहीं, ये जिद है मेरी। एम्परर की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा सीरियसनेस को भी रिप्रेजेंट करती है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत सीरियस होने वाले हो। प्रैक्टिकल तो हो ही रहे हो बट सीरियस हो रहे हो। अब आप सब में बैलेंस रहोगे, सब में, चाहे दोस्त हैं चाहे फैमिली है, सबके साथ ना बहुत इक्वालिटी, ऐसे एनर्जी है जहाँ पर इक्वल रहने की कोशिश करोगे। और कहीं ना कहीं आप चाहोगे कि आपका काम भी बहुत अच्छा चले, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि एम्परर की पोजीशन आपके वर्क प्लेस पे या आप अपने वर्क में भी बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सेल करने वाले हैं, कुछ ग्रोथ लाने वाले हैं, कुछ बड़े बड़े आइडिया, कुछ बड़े बड़े प्लान्स और बड़े बड़े लेवल की ग्रोथ के लिए कॉन्फिडेंट होते नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आप बहुत सीरियस हो रहे हैं लाइफ को लेकर, लाइफ को लेकर अभी तक आप बहुत लाइटली थे, कोई स्ट्रेस मतलब ऐसा था कि सबको वैल्यू करना, सबके पीछे भागना, मुझे प्यार करो, मुझे ध्यान दो, मुझे अटेंशन दो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, सबके लिए आप ओवर गिविंग रहे। बट दिस टाइम आप ऐसे हो गए हो कि नहीं, मुझे अपने हिसाब से थोड़ा सोच समझ कर चलना होगा, क्योंकि लाइफ जो मैं जी रहा हूँ या जी रही हूँ, ये राइट वे ऑफ लिविंग लाइफ नहीं है कि भाई मैं अलग तरीके से जी रहा हूँ। मेरा हमेशा दूसरों पे ज़रूरत से ज़्यादा निछावर होना सही नहीं है, इस तरीके की एनर्जी है। ये एम्परर की एनर्जी को क्लारीफाई करें प्लीज़। 7 of Wands, बी हर्मिट, बीन डिफेंसिव। आज तक आपने ना लोगों की ज़िंदगी में बहुत रोशनी भरी है, आज तक आपने ना बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया है, लालू पच्चू किया, गिविंग एनर्जी रही, शायद पैसों की मदद, शायद लव में गिविंग एनर्जी में रहे, शायद बहुत लोगों के काम आए। बट अब आप ऐसे हो गए कि नहीं, अब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहता हूँ या अपने बारे में सोचना चाहती हूँ, बस मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में अगर कोई महत्व रखता है तो वो सिर्फ मैं रखती हूँ, दूसरे लोग मेरे लिए महत्व नहीं रखते। आप डिफेंसिव पोजिशन पर, आप एक ऐसी पोजिशन पर आ रहे हैं जहाँ पर आप नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति आपको हर्ट करे। नेगेटिव लोगों को तो आप अपने जीवन से बिल्कुल कट ऑफ करने की तैयारी में है, ऐसा लग रहा है कि नेगेटिविटी को अपने आसपास देखना ही नहीं चाहते। ऐसे लोग जो सिर्फ आपको तकलीफ दे मंजूर नहीं। एक्शंस आपके बहुत लाउड और क्लियर है, जो आपके साथ सही तरीके से निभा नहीं सकता आप उसे टाटा, बाय बाय, सायोनारा और दफ़ा हो जाओ वाली एनर्जी देते नज़र आ रहे हैं।
बिल्कुल ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई झूठ नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, सीधी बात नो बकवास, इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मानो आपका समय बदल रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया बदलता नजर आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को क्लारिफाई करें प्लीज। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ, आपने अभी तक ना अपने फाइनेंसेस को लेकर, सच्चाई कहूँ तो, इतना ध्यान नहीं दिया है। आपने हर चीज़ को लेकर बहुत लाइटली ध्यान लिया है, या आप जैसे ना लोगों के पीछे बहुत भागे हो, बहुत ज़्यादा, जैसे प्यार की भूख आपके अंदर बहुत रही है। लाइक ऐसा लग रहा है कि या तो आप किसी को बहुत स्टॉक कर रहे थे, या पैसों की तंगी बड़ी रही, या जो पैसे आए अब उससे नॉर्मल चल रहे थे कि ठीक है, ठीक ठाक आ रहा है, इट्स ओके, मुझे ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके काम में ना स्पीड नहीं थी, आप स्पीड नहीं ले रहे थे, आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे, आप वैल्यू नहीं कर पा रहे थे। अभी आने वाले समय में जो है लाइफ चेंजिंग मोमेंट है, जैसे सडनली आपकी ज़िंदगी में आपके डेप्थ कम होंगे, जैसे कुछ कर्जे हैं वो कम होंगे, आपकी लाइफ में अगर हेल्थ इश्यूज चल रही हैं वो ख़त्म होंगी, प्रॉब्लम सॉल्व होती नज़र आ रही है। और ऐसा दिख रहा है उसका रीज़न ये है कि अब आप उठ गए, डिसिप्लिनड हो जाएंगे, अथॉरिटेटिव हो जाएंगे, एक तरीके की लीडरशिप क्वालिटी आती नज़र आ रही है, टीम बिल्ड करने की क्वालिटी जिसमें टीम है, लोगों को काम देंगे, इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है। लोगों को आप गाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, आपके लोन्स जो हैं उस लोन्स के लिए भी आप जो है कुछ करेंगे, कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान कि भाई जो भी लोन्स हैं मुझे कैसे क्लियर करने हैं, क्रेडिट कार्ड के हैं तो उसे कैसे, बड़े लेवल के इन्वेस्टमेंट्स कैसे करने हैं, कैसे अपना बेस्ट प्ले, बोलते ना बेस्ट पार्ट प्ले करना है। अगर कोई रिलेशनशिप में फेलियर्स है तो उसे आप दफा करेंगे कि ठीक है बाढ़ में जाए, ऐसे रिलेशनशिप मुझे चाहिए ही नहीं, इट्स बेटर कि इस रिलेशनशिप से दूर होकर मैं अपने आप पर फोकस करना शुरू कर दूँ। द लवर्स की एनर्जी को क्लारिफाई करें। टेन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, ओके। आप अपनी लाइफ में ना आने वाले समय में बिल्कुल भी इस तरीके की एनर्जी में नहीं दिख रहे कि किसी एक व्यक्ति के प्रति आप बहुत ज़्यादा जेन्युइन या सीरियस रहे हैं। फ्लर्टी नहीं कहूँगी, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत लोगों को डेट करने के लिए रेडी हैं। जैसे इस वक्त आपका जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है अंदर से हैप्पीनेस चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए, इंटिमेसी चाहिए, आपके अपने प्लेजर्स, आप लव फील करना चाहते हो, आप चाहते हो अटेंशन कैसा होता है, आप चाहते हो कि लोग आपकी तारीफ़ करें, आपको पसंद करें, और लाइक लल्लू पच्चू नहीं करना चाहते, आप डेट करना चाहते हो, आप चाहते हो आप लाइक बोलते ना अच्छे कपड़े पहनो, आप अच्छे से तैयार होना चाहते हो, आप अच्छे से अपने आप को पैम्पर करना चाहते हो, मे बी शॉपिंग, मे बी सलून, मे बी डेटिंग, आप बहुत सारे लोगों से मिलने के लिए रेडी हो और मिलना शुरू भी करोगे। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है, काफ़ी लोगों से मिलेंगे, डेटिंग करेंगे, राइटिंग बाइक की एनर्जी दिखाई दे रही है, घूमेंगे फिरेंगे, इंजॉय करेंगे। यू विल बी द पर्सन जो अब टेंशन नहीं लेना चाहता, स्ट्रेस नहीं चाहता। आपका मेन ध्यान करियर पे है, दूसरा ध्यान आपका ऐसा है कि लाइफ को फुल इंजॉय करना है। बहुत लोगों से मिलेंगे, दोस्ती भी बनाएंगे, बहुत लोगों से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मूव ऑन की एनर्जी में है। पास्ट की चीज़ों को आप छोड़ रहे हो, पास्ट टॉक्सिक लोगों को अपने जीवन से निकाल रहे हो, नो मोर टॉक्सिक एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है कि कोई टॉक्सिक इंसान आपके जीवन में आपको नहीं चाहिए। चांसेस है कि कोई एक्स इज ऑल्सो कमिंग, कोई एक्स भी आएगा पर आप उसे रिजेक्ट करेंगे ड्यू टू थर्ड पार्टी इशूज़। यहाँ पर मुझे आउटकम में दिख रहा है आप रिजेक्शन दे रहे हैं, आप नहीं चाहते उस रिलेशनशिप को। इस रिलेशनशिप में, इस ज़िंदगी में आपने इस व्यक्ति से बहुत पेन सहा है, इस इंसान को आप दोबारा अपनी ज़िंदगी में नहीं देखना चाहते बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी इशूज़, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप का सत्य देख लिया और अब आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, ये सिर्फ आपके साथ टाइम पास चलेगा, इसलिए आप नए लोगों से मिलने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप मैरिज करना चाहते हैं, नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ इंजॉय करना चाहते हैं, आप लोगों का अटेंशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपको पैम्पर करे, कोई आपको फील कराए, अच्छा फील कराए, किसी से अच्छी इंटिमेसी मिल जाए, किसी के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम मिल जाए, बिकॉज दिस टाइम आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस नहीं झेलना चाहते, नो मोर स्ट्रेस। जो लोग बहुत समय से लाइक शादी का डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, चांसेस है कि वो शादी का डिसीजन ले लें। अगर आप बहुत टाइम से नहीं ले रहे हो और आप सोच रहे नहीं 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 समडे होगा, देखा जाएगा, बट चांसेस है। बट ओवरऑल अगर बाकी लोगों के लिए कहूँ तो नहीं, आप इंजॉय करेंगे, बहुत लोगों से डेट करेंगे, एक साथ बहुत लोगों से कनेक्ट करेंगे, मिलना जुलना, घूमना फिरना, खाना पीना, दिस विल बी योर लाइफ। घूमना मतलब इस तरह से ट्रैवलिंग्स भी दिखाई दे रही है, लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग्स एज वेल, ट्रैवल करेंगे आप, अपने जीवन को बहुत प्रैक्टिकली जीना शुरू करेंगे।
अब तक आप ऐसे थे कि मैं अकेले हूँ या अकेली हूँ, अरे मैं हाउ, मतलब अपने आप को बेचारा या बेचारी विक्टिम समझ के चले, लेकिन अब आप ऐसे हैं कि अकेले में भी हम राजा हैं या रानी हैं, किसी से कम नहीं। योद्धा की एनर्जी है, एक योद्धा जो लड़ने को तैयार। आपके काम में भी ग्रोथ आती दिखाई दे रही है, टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। अचानक से बहुत ज़्यादा पैसा, धन, नाम, प्रसिद्धि, नेम फेम, कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है। सम ऑफर्स, सम न्यू ऑफर्स, कुछ अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज, सम न्यू ऑफर्स, सम न्यू प्लानिंग, एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। ऑब्स्टिकल में दिख रहा है कि आप अपने पास्ट को रिलीज़ नहीं कर पा रहे और आप रिलीज़ करेंगे। न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं, पास्ट इज़ देयर। आप हर बार पास्ट के बारे में बहुत सोचते हो, इवन चांसेस है कि नेक्स्ट 10 to 15 days भी आप पास्ट के बारे में सोचेंगे बहुत, बट आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप में से कुछ लोगों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, बार बार क्या हो रहा है, पार्टनर आ रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, हर्ट हो रहे हैं, उसके बाद दूर भाग जा रहे हैं क्योंकि वो व्यक्ति कोई कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं। ये बार बार ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बन रही है। इस ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में आप जो है कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को फिर से अपने से दूर करेंगे। एक बार मेक श्योर कर लेना, क्योंकि मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, अगर बहुत समय से ऑन एंड ऑफ चल रहा है तो वो क्यों चल रहा है, आपका इनडिसीजन इशू क्यों है। आपको कैलकुलेट करने पड़ेगा कि अगर ये एक चीज़ बार 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 हो रही है आपकी लाइफ में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको आदत पड़ गई है दुख की, तकलीफ़ों की, कि आपको आदत पड़ गई है रोने की, बिना वजह अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स लेने की और कंप्लेन करने की। कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी ज़िंदगी में आपको पहले से ही सब कुछ पता है, पर बार बार आप उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आपको ये सब चीज़ों में अच्छा लगने लगा है, इस पेन में मज़ा आने लगा है। हाँ, कुछ लोगों को होता है, ये फैक्ट है। आपको अपने इनर सेल्फ में जाकर बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, मे बी गुड जॉब, मे बी समथिंग न्यू, आपके जीवन में सब कुछ बेहतर होता हुआ, व्हील ऑफ फॉर्चून, लक बदलने जैसी एक बहुत ही बेहतरीन एनर्जी। एक्स भी चांसेस है, अगर एक्स को लेकर परेशान है तो एक्स आएंगे, लेकिन आप उन्हें रिजेक्ट करेंगे क्योंकि आप थर्ड पार्टी के कारण नहीं चाहते अपने पार्टनर को। आपको ना कमिटमेंट मिल रहा है, ना इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर दिख रहा है, दिस इज़ द रीज़न आप इस रिश्ते को ठुकराने वाले हैं, बट वो आएंगे ज़रूर। ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप किसी को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि वो लेज़ी थे, क्योंकि उन्होंने कोई एक्शंस नहीं लिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा आपका दिल तोड़ा। दिस टाइम आप सिर्फ अपने काम पे और अपनी इन्जॉयमेंट पे फोकस करना चाहेंगे, 10 लोगों से मिलेंगे जुलेंगे और एक अच्छी हेल्दी लाइफ को जीना शुरू करेंगे। सो नेक्स्ट 10 to 15 days आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। मुझे कोई भी बैड एनर्जी नहीं दिख रही है, इट इज़ जस्ट कि सेल्फ डिस्कवरी का टाइम है, तो डेफिनेटली देख लेना कि कहीं कोई पैटर्न आप बार बार रिपीट तो नहीं कर रहे हो, उस चीज़ पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ क्लैरिटी मिली होगी। अगर रीडिंग पसंद आई, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें और क्लेम करें इस एनर्जी को, ठीक है। और यस, उसके अलावा पर्सनल रीडिंग लेनी है तो व्हाट्सअप का नंबर आपके सामने स्क्रीन पे है, व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। और व्हाट्सअप के जो पर्सनल रीडिंग है वो चार्जेबल होते हैं, फ्री नहीं होते। अगर आपको चार्जेस सिर्फ जानने हैं तो आप कैटलॉग चेक कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर जैसे ही आप सेव करेंगे आपके सामने कैटलॉग आ जाएगा, आप अपने जो है अफोर्डेबल रेट अनुसार जो भी आपको सही लगे उस हिसाब से अपना जो है रीडिंग बुक कर सकते हैं। हर तरीके के चॉइसेस हैं, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो टीम आपकी मदद करने के लिए आपके पास है, ठीक है। सो अब बारी है OPQRST UVW XYZ। यूनिवर्स मुझे बताए OPQRST UVW XYZ जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, कमिंग 10 to 15 days में इनके लिए, इनकी लाइफ में, इनकी डेस्टिनी में क्या होने वाला है, इनकी डेस्टिनी में क्या एक्सपेक्टेड है। सन, 10 of Wands, दी हीरोपंत, 8 of Swords, 9 of Swords, दी एम्परर, दी लवर्स। यूनिवर्स क्लैरिफाई दी एम्परर। क्वीन ऑफ वॉन्स, 8 of Pentacles, ओके। OPQRST UVW XYZ जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, आपके साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीस, लियो, सैजिटेरियस। बर्थ नंबर्स में 24, 26 और 4, 7, 8 ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे दिखाई दे रहा है कि पास कुछ टाइम से आपके अंदर जो है एनर्जीज में बहुत बड़ा स्विच आया है, पॉजिटिविटी आई कैन सी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। पिछले कुछ टाइम से आप अपनी सेल्फ रिकॉग्निशन जानते हुए या अपने आप को पहचानते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी और एक अच्छी न्यूज़ नज़र आ रही है। मे बी फैमिली में एक अच्छा माहौल,
मे बी सब कुछ बेहतर हो सकता है। आप में से काफ़ी लोगों को रिकंसलेशन मिल गया है, क्योंकि यूनियन और रिकंसलेशन भी मेरे सामने है। आउटकम में भी मुझे आपके सामने एम्परर या एम्प्रेस की एनर्जी दे रहा है, यूनिवर्स बता रहा है कि चांसेस है कि आपके पार्टनर सडनली आप में इंटरेस्टेड है। अब ये काम में भी हो सकता है कि काम में आपकी अचानक से बहुत ग्रोथ हुई, अचानक से कोई खुशखबरी या कोई अच्छा इवेंट, कोई अच्छी लाइक इवेंट आप अटेंड कर रहे हैं, मे बी अ सेलिब्रेशन, मे बी समथिंग जो बहुत एक्साइटिंग है जिससे आप बहुत खुश हो रहे हैं, मे बी बच्चे को लेकर कोई गुड न्यूज़। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं सेल्फ डिस्कवरी हुई है और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और हैप्पी हैं। और करंट सिचुएशन में ऐसा दिखाई दे रहा है बर्डन बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, रिश्तों का, काम का, करियर का, लाइफ का, हर प्रकार का बर्डन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर सबको आप ही संभाल रहे हैं, सबको हैंडल आप कर रहे हैं, एट अ टाइम आपको बहुत जगह पर ध्यान देना है, चाहे परिवार हो तब भी आपको ध्यान देना है, चाहे फ्रेंड्स हो तब भी आपको बैलेंस करना है, चाहे कोई रिलेशनशिप क्यों ना हो तब भी बैलेंस आप ही को करना है। एफर्ट्स आप ज़्यादा डालते हैं और इसको लेकर आप खुश नहीं हैं, एक तरीके का बोझ महसूस कर रहे हैं अपने अंदर, जैसे हर चीज़ आपको करनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप या ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में भी हैं तो चांसेस है कि आप थक गए हैं इस रिश्ते को बार बार बनाते हुए, क्योंकि आपको लग रहा है पार्टनर तो ठीक हो रहे हैं लेकिन कुछ टाइम के लिए आप उनको लेकर या तो शक करना शुरू कर देते हैं, या कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही आप एफर्ट ज़्यादा डाल रहे हैं और वो आप में इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे, वो ध्यान दे ही नहीं रहे, वो कोल्ड बिहेव कर रहे हैं या रूड बिहेव कर रहे हैं या ईगो दिखा रहे हैं, आते तो अपनी मर्ज़ी से हैं लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें बिगाड़ते हैं। इस तरीके की एनर्जी जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि काम का बर्डन भी हो सकता है किसी तरीके की ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसे हैं, या काम का इतना प्रेशर होने के बाद भी जैसे कंपनी आपको अप्रिशिएट ही नहीं कर रही, इतना काम करने के बाद भी कंपनी को शिकायत है आपसे, लोगों को शिकायत है, नोबडी इज़ हैप्पी, कोई खुश क्यों नहीं है। आप अपने काम को बहुत ही चुस्ती से, पैशन से करते हुए नज़र आ रहे हैं लेकिन स्टिल आप परेशान हैं इस बात से कि कोई क्यों खुश नहीं है, संतुष्टि क्यों नहीं है। दी सन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स, यस यू हैव रिसीव्ड, जो आपको चाहिए था वो आपको मिला है, ऐसा रिसेंट पास में दिखाई दे रहा है। मे बी सम गुड, बोलते हैं ना, कोई अच्छी कम्युनिकेशन, सम गुड कम्युनिकेशन, या मे बी एक अच्छा लव ऑफ़र, या मे बी किसी व्यक्ति से जो हिंट्स चाहिए थे हिंट मिल गए, या जॉब ऑफ़र, या एक सेल्फ रिकॉग्निशन रिसेंट पास्ट में। बट करेंटली ऐसा दिखाई दे रहा है, जो अभी के समय में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो है बहुत बर्डन फील कर रहे हो हर चीज़ का, हर रिश्ते का, लाइफ का, हर तरीके का बर्डन आपके ऊपर है। टेन ऑफ वॉन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज़। नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंट, हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप में बहुत एडजस्ट कर रहे हैं, मे बी अपनी शादी में एडजस्ट कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही है जिसमें एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ रहा है। और आई कैन सी कि आप ओवर गिविंग हो, आपने सबका लोड उठाया है, इवन करियर या काम में भी देखा जाए तो सबका काम आप ही कर रहे हो, एम्प्लॉयज़ के होते हुए भी काम सारा आपको ही देखना पड़ रहा है, एम्प्लॉयज़ का काम संभाल नहीं पा रहे, चाहे CA हो, चाहे एडमिन डिपार्टमेंट में कोई हो, सबका काम आप ही को हैंडल करना है, बर्डन बहुत ज़्यादा है और कोई हेल्प करने वाला नहीं, या अगर ऑफिस के लिए कुछ कर रहे हो तो ऑफिस वाले ग्रेटफुल नहीं है, अपॉर्चुनिटी जैसे कि वो थैंकफुल होने की जगह उल्टा आप ही के अगेंस्ट में खड़े हैं। चांसेस है अगर लव लाइफ में आप फंसे हो तो चांसेस है आप थर्ड पार्टी से बहुत परेशान हो, अपने पार्टनर के बार बार फ्लक्चुएट होने से परेशान हो। आप में से कुछ लोग अगर सिंगल हैं तो चांसेस है कि आप न्यू लव ऑफ़र को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो, कि आपको लग रहा है ये व्यक्ति आया तो है, ऑफ़र तो है, इसके साथ शादी होगी नहीं होगी, या शायद मुझे ही सब कुछ ट्राई करना पड़ेगा, वो एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे, इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं और चीज़ें ट्राई कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में बेटर हो जाए, आप अपनी लाइफ को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। द हीरो पेन की एनर्जी को क्लारीफाई करें। लाइफ में बैलेंस लाने का प्रयास कर रहे हैं, द हीरो पेन की एनर्जी को क्लारीफाई करें। आप थर्ड पार्टी से बहुत परेशान हैं, बिकॉज पता नहीं क्यों मुझे थर्ड पार्टी इश्यूज़ बहुत दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर झूठ बहुत बोलते हैं, इससे आप इरिटेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं कि ये बहुत झूठ बोल रहे हैं, बहुत मैनिपुलेट कर रहे हैं, बातें छुपा रहे हैं, प्लेयर एनर्जी में हैं, इससे आप परेशान हैं। चांसेस है कि आप इस चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड हैं, या आपके फैमिली में जैसे इन लॉज वगैरह का कोई इशू है, इन लॉज आपको जो है रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, मे बी ऑफिस में कुछ लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे जिससे आप बहुत अपसेट हैं। हालांकि आप बैलेंस करते नज़र आ रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे आप आगे बढ़ रहे हैं,
खुद को जो है अपने इनर सेल्फ में खोज कर रहे हैं, लाइक जैसे अपने अंदर एक इनर बिलीफ, कहीं ना कहीं अपने आप पे विश्वास करते नज़र आ रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप जो है कोशिश कर रहे हैं कि भगवान सब ठीक करेगा, इस बात को समझने और फील करने की, लाइक आस्तिक हैं इस तरीके की, एक दिन भगवान सब बेहतर करेगा। और इसी चक्कर में आप जो है बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, बहुत एडजस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई वन डे भगवान को कुछ बेहतर करना है, मेरे भगवान जो है मेरे साथ गलत नहीं करेगा, इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन आप लोगों की चीटिंग, बिट्रेयल, पीठ पीछे बोलने वाले लोगों से आप बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों से, सामने मुँह पे कुछ है, पीठ पीछे कुछ और है, लोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। मे बी ए कॉम्पिटिटिव एनर्जी, मे बी एनिमीज, बिना वजह लोग जो है आपको परेशान कर रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, आपका काम में आपको टांग अड़ा रहे हैं, पोक कर रहे हैं ताकि आपका काम अटके, इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी स्टक एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत समय से एक ही जगह पर स्टक हो गए हैं, आप चाह कर भी अपना इतना हार्डवर्क करके भी आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। और अगर रिलेशनशिप की भी बात करें तो आप खुद को स्टक फील कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप कोई एक्शन ले, आप अपने रिलेशनशिप को, या तो आपके पार्टनर कोई मूवमेंट ले, या आप अपने रिलेशनशिप में कोई फैसला कर सकें, पर चाह कर भी फैसला नहीं कर पाते, ना दूर रह पाते अपने पार्टनर से, सब कुछ जानते हुए भी जैसे कंट्रोल करना पड़ रहा है, और ना ही आपकी ज़िंदगी में स्थिति पहले से बेहतर हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हैं, एनजाइटी दिखाई दे रही है यहाँ पर। नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ में ऐसा लग रहा है एनजाइटी है, हेल्थ इश्यूज़ है, मे बी हेल्थ ख़राब हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, परेशान हैं आप, कहीं ना कहीं एग्जॉस्टेड है, ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप खुद को संभाल नहीं पा रहे, एक लोनलीनेस है। क्योंकि रीज़न क्या है कि आप ओवर गिविंग एनर्जी में हैं, आप अपने आप को एम्प्रेस नहीं बना रहे हैं, आप अपने आप को ओवर गिविंग एनर्जी में लेकर आए हैं, बहुत कर रहे हैं लोगों के लिए, करते जा रहे हैं, खुद के सेल्फ पे आपका फोकस नहीं है, रिस्क लेने से भी डर रहे हैं, नहीं मुझे नहीं छोड़ना चाहिए, मेरे हाथ से चला गया तो रिस्क, ये फेलियर हुआ तो जॉब नहीं छोड़ूंगी, ये जॉब छोड़ी और बाद में नहीं मिली तो, ये बिज़नेस में मैंने ये स्टेप ले लिया प्रॉब्लम आई तो, इस पर भरोसा कर दिया दिक्कत हुई तो, पार्टनर को अगर मैंने सरेंडर कर दिया, रिलीज़ कर दिया, जाने दे दिया, उसे मूव ऑन कर लिया और वो सच में मूव ऑन हो गया तो, स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस बहुत है, अंदर ही अंदर सोच सोच कर खुद को पागल कर रहे हो, अंदर अंदर एक जैसे घुटन है आपके अंदर और उसको ठीक नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर आउटकम में मुझे दिखाई दे रहा है कि ओवर थिंकिंग बहुत है आपके ऊपर, पूरी प्रजा का बार है, जैसे कि सबकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ और सिर्फ आपसे है, एवरीबडी वॉन्ट्स कि आप परफेक्ट रहें, बाकी लोग गलतियां करें पर आप गलतियां ना करें, ये परफेक्शन रहने के चक्कर में, ये सबको संभालने के चक्कर में आप अंदर से टूट रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो टू बी द बेस्ट वर्जन, सबकी नज़र में आपकी तारीफ हो जाए, लोग आपसे इंस्पायर हो, लोग आपको वैल्यू करें, आप हार्ड वर्क करते नज़र आ रहे हो, डूइंग वे मतलब कहीं ना कहीं ऐसी एक एनर्जी है कि मोर देन योर लिमिट्स, आप लिमिट्स को क्रॉस करते हुए ओवरडू करते चले जा रहे हो, शायद उससे कुछ बेटर रिज़ल्ट मिल जाए, हर चीज़ को बेहतर बनाने का पुश एक ज़रूरत से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ताकि आपको लव या अटेंशन मिल जाए, पर थिंग्स आर नॉट वर्किंग लाइक दिस। यहाँ पर ऑब्स्टेकल ये है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा, यूनिवर्स आपसे रिस्क लेने की डिमांड करता है, यूनिवर्स एट ऑफ वॉन्स की एनर्जी, ओके सॉरी यूनिवर्स गाइडेंस दे मुझे, NO, ओके OPQRST UWXYZ, यूनिवर्स जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, बताएं गाइडेंस क्या देना चाहेंगे इनके लिए। 7 of Swords, the Hangman, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, यू हैव टू टेक एन एक्शन, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, मेक अ मूव यार, बी मैन्यूपुलेटिव, बी प्रैक्टिकल, आपको थोड़ा सा छल कपट या जहाँ नो बोलना है वहाँ नो बोलना आना चाहिए, नहीं सॉरी ये नहीं हो पाएगा, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं हूँ, एम्प्लॉयज़ को डांटना है, उनसे काम करवाना है, ना कि खुद काम करना है, जो एम्प्लॉयज़ काम ना करें उन्हें निकाल कर स्विच करके नई प्लेसिंग करें काम पे, अगर फैमिली में आपको लग रहा है परेशानियाँ हैं तो उस फैमिली से थोड़ा टाइम तक दूरी बनाने की कोशिश करें और फिर वापस पैचअप हो, रियलाइजेशन देने की कोशिश करें। अगर लवर आपकी बात समझ नहीं पा रहा है, बार बार छल कपट झूठ कर रहा है, तो उसे सबक देने का टाइम है, रिस्क लो, टेक अ रिस्क, टेक सम एक्शंस, यूनिवर्स कह रहा है एक्शन लेकर ही कुछ बात बनेगा, सब मेरे ऊपर छोड़ दोगे मैं कुछ ठीक नहीं कर सकता, तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथों में है, ज़रूरत से ज़्यादा देवी या देवता बनने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी आपको जो है चाणक्य बनना पड़ता है और दिमाग से काम लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है ज़रूरत से ज़्यादा ओवरडू कर रहे हो, नाउ इट्स अ हाई टाइम कि आप भी कुछ एक्शन लो चीज़ें बेहतर करने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, वेटिंग फॉर समथिंग गुड कि एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, खुद भगवान करेगा, भगवान कुछ नहीं करेगा, हम इंसानों को ही कुछ करना पड़ेगा,
ओके. सो यहाँ पर नेक्स्ट 10 to 15 डेज ये है आपकी लाइफ में आपकी डेस्टिनी. अब बदलना ना बदलना आपकी चॉइस है. आप अपने जीवन में क्या बदलाव ला पाते हो तो आप पे निर्भर करता है. रीडिंग अगर आपसे रिजोनेट की तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्लेम करें इस एनर्जी को. साथ ही साथ अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें. पर्सनल रीडिंग का नंबर स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिलेगा आपको. और यस, ध्यान रखना पर्सनल रीडिंग के लिए चार्जेबल होती है रीडिंग्स, फ्री नहीं होती. और उसका कैटलॉग या उसके प्राइजेस जो है आपको व्हाट्सअप का नंबर सेव करते ही मिल जाता है. अगर आपको जो बुकिंग करनी रहती है तो कोई भी तरीके का कोई डाउट रहता है तो टीम आपकी हेल्प करती है. ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही. मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहें. बाय, टेक केयर, ओम साई राम.